हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आपको सभी प्रमुख सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के टैग वाक्य आसानी से याद हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला है दोस्तों इलाहाबाद बैंक मेरी पिछली ट्रिक की तरह आज भी मैं आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं कहूंगा बल्कि आपको बैंक के नाम से ही बताऊंगा की इनके टैग वाक्य क्या है और आप खुद देखेंगे की आपको ये सब कुछ आसानी से याद हो गया है वो भी बिना रटे हुए तो इलाहाबाद बैंक में देखिए एक शब्द है इलाहा ठीक है इलाहा जो कि इलाही से मिलता जुलता है इलाही यानी खुदा या ईश्वर ठीक है और यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह डायरेक्ट लिखा हुआ है अल्लाह यानी कि ईश्वर तो इलाही या फिर अल्लाह देखिए इलाही या अल्लाह मतलब जिस पर हमें विश्वास है और ये विश्वास करने की परंपरा सदियों से चली आई है ठीक है इलाही या अल्लाह जिस पर हमें विश्वास है और यह विश्वास करने की परंपरा सदियों से चली आई है तो ऐसे आपको यह याद आ जाएगा कि विश्वास की एक परंपरा इलाहाबाद बैंक का टैग वाक्य है इसके बाद देखिए आंध्रा बैंक तो आंध्रा बैंक में प्रथम दृष्टिया कौन सा शब्द दिख रहा है आंध्रा ऐसा लग रहा है ये अंधे व्यक्ति की बात हो रही है तो अंधा यानी कि उसे क्या समझा जाता है भार है ना देखिएगा अंधे व्यक्ति को क्या समझा जाता है कि एक बोझ की तरह है भार की तरह है तो ये भार है है ना ये भार है ये भार है या भार का बैंक है ठीक है बाहर का बैंक है ऐसा सोचा जाता है जबकि उसके दुख दर्द को समझना चाहिए कोई समझता नहीं है बोलते हैं अरे यार ये तो बोझ बना हुआ है तो बस आंध्रा बैंक जब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि बाहर बैंक है यानी भारत बैंक है जहां भारत बैंक है जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये अपने आप याद आ जाएगा फिर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा तो बड़ौदा में क्या शब्द दिख रहा है आपको बड़ो 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 बड़ा ठीक है बड़ा तो बड़ा यानी कि इंटरनेशनल लेवल का होगा है ना इंटरनेशनल लेवल का होगा नेशनल लेवल का होता तो छोटा होता तो भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक अंतरराष्ट्रीय लेवल का है बड़ा बड़ौदा इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है बी ओ आई ठीक है बैंक ऑफ इंडिया बी ओ आई ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है बॉय बॉय यानी लड़का तो बॉय मतलब लड़का है तो बैंकिंग से परे संबंध यानी बैंकिंग में तो है ही संबंध इसके बाहर भी इसने बॉयफ्रेंड वाला संबंध रखा हुआ है यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप है ठीक है ये रिलेशनशिप में है तो ऐसे करके आपको ये याद आ जाएगा कि बैंकिंग से परे संबंध बैंक ऑफ इंडिया का टैग वक है इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो इसमें बी ओ एम इसका शॉर्ट फॉर्म है बी ओ एम बैंक ऑफ महाराष्ट्र बी ओ एम यानी बॉम ठीक है ऐसा लग रहा है ना बॉम लिखा हुआ है तो बॉम मतलब क्या हुआ बम फट गया तो क्या हुआ एक परिवार पूरा का पूरा उड़ गया ठीक एक परिवार की मृत्यु हो गई तो ऐसे आपको याद आ जाएगा एक परिवार एक बैंक जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो फिर देखिए केनरा बैंक केनरा बैंक में क्या आपको दिख रहा है केन ठीक है इस वीडियो में मैंने जो ट्रिकी वर्ड्स है उनको हाईलाइट कर दिया स्काई ब्लू कलर से तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं देखिए केन तो केन यानी किस चीज का केन देखिएगा कोल्ड ड्रिंक का केन हो चाहे बियर का केन हो या किसी भी चीज का केन हो तो हम क्या करते हैं हम साथ साथ उसको पीते हैं ठीक है साथ में बैठ के पीते हैं कोल्ड ड्रिंक है बियर है कुछ भी है तो हम साथ कर सकते हैं

क्या है है से से आपको याद आना चाहिए 1911 से आपके बीच ठीक देखिए कार्पोरेशन बैंक तो कारपोरेशन बैंक में कार और राशन कार और राशन ऐसा लग रहा है लिखा है कार और राशन तो जिसके पास कार और राशन रहेगा वो बिल्कुल समृद्ध व्यक्ति कहलाएगा ठीक है तो समृद्धि से आपको याद आ जाएगा सभी के लिए समृद्धि इसके बाद देखिए देना बैंक तो देना मतलब किसी को भी देना लेकिन वह भरोसेमंद होना चाहिए है ना देना हम क्या बोलते हैं किसी को भी दे देना लोन दे देना ये दे देना वो दे देना लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति को देना ताकि वो लौटा दे नहीं तो वो नहीं लौटाएगा तो भरोसेमंद पारिवारिक बैंक देना बैंक का टैगलाइन है इसके बाद देखिए आईडीबीआई बैंक आईडीबीआई बैंक में दो शब्द हैं क्या क्या आई आई है ना आई आई बार बार कोई बोलेगा आई मैं आई मैं आई मैं आई तो आप क्या बोलेगा आओ ठीक है आप बोलोगे ना आओ तो आओ से आपको याद आ जाएगा आओ सोचें बड़ा सभी के लिए बैंकिंग आओ सोचें बड़ा ठीक है ये ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि आईडीबीआई बैंक का ये टैगलाइन है इसके बाद देखिए इंडियन बैंक तो इंडियन बैंक नाम से ही बिल्कुल लग रहा है इंडियन यानी भारतीय हम कहीं पे भी रहेंगे विदेश में भी रहेंगे तो ऐसा फील होगा कि ये अपना बैंक है ना इंडियन यानी अपना बैंक है तो आपका अपना बैंक इसका टैगलाइन इसके बाद है इंडियन ओवरसीज बैंक तो ओवरसीज ऐसा लग रहा बता रहा है कि सी यानी समुद्र और ओवर यानी समुद्र के पार ठीक है समुद्र के पार तो ओवरसीज समुद्र के पार हमें जाना है क्यों जाना है ताकि हम अच्छे लोगों से मिलें बड़े बड़े लोगों से मिलें और विकास कर सकें ठीक है तो इंडियन ओवरसीज बैंक यानी अच्छे लोगों के साथ विकास के लिए इसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक में देखते ही जो पहला शब्द हमें दिखाई देता है वो क्या है पंजा ठीक है पंजा आज भी जब आप कुछ पिछड़े क्षेत्रों में जाएंगे या पुराने लोगों से मिलेंगे बुजुर्गों से मिलेंगे तो वो क्या करते हैं अगर आप पूछेंगे कि आप किसे वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल वो पंजा दिखाएंगे कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उसके अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं है और वो वोट देना भी नहीं चाहते बस उन्हें पंजे पे विश्वास है ठीक है तो पंजा आप जैसे ही देखें तो आपको याद आना चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं ठीक है जिस पर आप विश्वास करते हैं पंजा यानी जिस पर आप विश्वास करते हैं और उसी को वोट देंगे ऐसा पुराने लोग मानते चले आ रहे हैं ठीक ठीक है इसके बाद देखिए पंजाब एवं सिंध बैंक तो पंजाब एवं सिंध बैंक में मैंने सिंध को हाईलाइट किया है सिंध को क्यों किया है क्योंकि पंजाब से यहाँ पे ट्रिक बन गई और यहाँ पे आपको सिंध से ट्रिक निकालनी है तो सिंध यानी ऐसा लग रहा है आपने सुना होगा सेंध लगाई उसने सेंध लगा दी कई चोरों ने या डाकुओं ने मिलकर सेंध लगाई और बैंक का सारा पैसा निकाल लिया तो सेंध लगाना अब अगर कोई सेंध लगाएगा तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बढ़िया तरीका निकालना पड़ेगा ठीक है कि हम पहले एक सुरंग बनाएंगे इसके बाद हम चोरी करेंगे तो सेंध लगाने के लिए एक तरीके की जरूरत टैग वाक्य है इसके बाद दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे नहीं लगता है, इसमें कुछ भी आपको ट्रिक बनाने की जरूरत है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चे बच्चे का अकाउंट यानी कि हर भारतीय स्टेट बैंक में रहता है तो ये आपको आसानी से याद आ जाएगा फिर भी अगर आप ठीक किस में बनाना चाहते हैं तो स्टेट से आप याद कर लीजिए हर भारतीय के स्टेट में बैंक है ठीक है हर भारतीय के स्टेट में बैंक है तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि हर भारतीय का बैंक फिर आ जाइए सिंडिकेट बैंक सिंडिकेट में देखिए पहला वर्ड क्या है सिंडी, सिंडी 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 सीडी सीडी पहला ही शब्द हमें दिखाई दे रहा है तो सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो क्या होता है देखिएगा श्वसन हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं और एकदम पूरी भर जाती हैं सांसें फूलने लगती हैं ठीक है सांसें क्या होती हैं पूर्ण रूप से भरकर फूलने लगती हैं हमारा फेफड़ा फूलने लगता है तो श्वसन श्वसन से आपको विश्वसन याद आ जाएगा और विश्वसनीय एवं मैत्रीपूर्ण सिंडिकेट बैंक का टैग वाक्य है ऑप्शन देखते ही आपको ये याद आ जाएगा इसके बाद है यूको बैंक यूको बैंक ऐसा लग रहा है उको या उठो है ना उको या उठो इसका भी कुछ खास ट्रिक नहीं बन रहा था फिर भी मैंने कोशिश की है उको या उठो उको या उठो तो उठते है उठो 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 यानी किसी को सम्मान देने के लिए जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं उठ जाते हैं क्यों ताकि हम अगले व्यक्ति को सम्मान दे सके तो आपके विश्वास का सम्मान उको बैंक उको है ना उको यूको बैंक यानी उको बैंक उको यानी उठो तो उठो से आपको सम्मान याद आ जाएगा इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो यूनियन बहुत ही आसान है यूनियन जैसी आप देखें तो लोगों का साथ ठीक है बहुत सारे लोगों का साथ होगा तो अपने आप एक यूनियन बने

तो विजय हम देखिए दो शब्द हैं विजय और जया है ना मैंने पिछली ट्रिक में भी बताया था विजय और जया तो विजय और जया क्या हैं एक दूसरे के पक्के मित्र हैं एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं यानी कि मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं तो विजय बैंक का टैगलाइन क्या हुआ एक मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं इसके बाद देखिए एक्सिस बैंक तो एक्सिस में अपने आप ये बता रहा है एक शीश ठीक है एक शीश यानी है जानते हैं सभी हेड मस्तक सिर एक शीश तो शीश उठा के आदमी क्या करता है बढ़ता जाता है आगे की ओर बढ़ता जाता है और जिंदगी काटता जाता है ठीक है बोलते हैं ना कि एकदम आगे बढ़ते जाओ और अच्छे से जिंदगी काटते जाओ शीश उठाकर सिर उठाकर जिंदगी जियो तो एक शीश यानी हमें आगे बढ़ते जाना है शीश उठाकर और जिंदगी जीनी है अपनी तो बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैग वाक्य है दोस्तों जैसी आज की मेरी ट्रिक है वैसी आसान ट्रिक्स मैंने कई टॉपिक्स पर बनाई है जिन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए जीके विद वीके और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं जीके विद वीके मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट

क्लिक करना है नहीं तो आपको वीडियो का अलर्ट नहीं मिल पाएगा कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे वीडियो का अलर्ट नहीं मिल रहा है तो आप घंटी के निशान को जरूर क्लिक करें हो सकता है सब्सक्राइब करने के लिए आपको लॉग करना पड़े तो थोड़ी देर के लिए लॉग कर ले क्योंकि इससे आप ही को फायदा होगा इसके बाद आगे देखते हैं फिर है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक तो इसका टैग क्या है हम है ना ख्याल आपका तो आई 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 इसमें बार बार आई है आई है आई है यानी आया 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 क्या आया आपका ख्याल आया ठीक है आई 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 यानी आपकी याद आई या आया 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 क्या आया आपका ख्याल आया देखिए ख्याल आपका तो आईसीआईसीआई बैंक स्लोगन वाक्य हम है ना ख्याल आपका इसके बाद है एच बैंक तो एच डी एफ सी में देखिए एच डी हद ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है हद है ना हद तो हमें क्या करना चाहिए हमें हमेशा अपनी हद समझनी चाहिए ठीक है हमारी लिमिट्स क्या है हमारे दायरे क्या है हमें समझना चाहिए देखिए हद एच डी यानी हद हम समझते हैं ठीक है थीके? हम आपकी दुनिया को समझते हैं इसका टैग वाक्य है इसके अलावा दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं एच डी एच डी आज क्या हो रहा है हर जगह एच डी की डिमांड है ना एच डी हाई डेफिनेशन हमें चाहिए यानी कि दुनिया पूरी एच डी ही ढूंढ रही है एच डी एच डी एच डी ठीक है तो एच से आपको दुनिया याद आ जाएगी या फिर हद से आपको समझना याद आ जाएगा हद समझते हैं इसके बाद देखिए यस बैंक तो यस नो यस नो इसे आप यस नो यस नो से कोरिलेट कीजिए तो यस यानी हाँ 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 तो अगर कोई अनाडी आपके आगे कुछ भी ज्ञान देगा तो आप क्या बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है आप आर्ग्यूमेंट करेंगे लेकिन वहीं पे कोई विशेषज्ञ आपको नॉलेज देगा या कुछ बताएगा तो आप वहां पे यस यस ही करेंगे उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उस विषय विशे का विशेषज्ञ है और अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे तो क्या होगा उल्टा हम गलत साबित हो जाएंगे तो यस बैंक यानी हमारी विशेषज्ञता का अनुभव ले इसके बाद दोस्तों आई बैंक तो आई में शुरू के दो वर्ड आई डी आई डी ऐसा लग रहा है आइडेंटिटी कार्ड है ठीक है तो आई डी यानी आइडेंटि कार्ड कभी भी आप बैंक में जाते हैं और वहां पे आपका आइडेंटी कार्ड नहीं होता तो क्या होता है वहां से हटा दिया जाता है, है ना भगा दिया जाता है हट देखिए हट और बैंक यानी बैंक से हट बैंक से चला जा तेरा काम नहीं होगा क्यों क्योंकि तेरे पास आईडी नहीं है ठीक है तो आईडीएफसी बैंक यानी हट ऐसे आपको ये याद आ जाएगा बैंकिंग हट के आईडीएफसी बैंक का टैगलाइन है इसके बाद बंधन बैंक तो बंधन बैंक यानी बंधन ठीक है एक बंधन होता है परिवार का समाज का क्यों इससे आपका भला होता है और सबकी भलाई होती है ऐसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बंधन में रहने से ही व्यक्ति क्या होता है अच्छा भला रहता है और सबकी भलाई करता है उसी में सबकी भलाई है जो बंधन में नहीं रहता यानी बंधन मुक्त रहता है तो पतंग की तरह वो कट के नीचे आ जाता है पतंग को भी आपने देखा होगा जब तक बंधन में रहती है तो ऊपर जाती है जैसे ही बंधन से मुक्त हुई यानी उसका धागा कट गया तो वो सीधे नीचे आ जाती है तो बंधन बहुत जरूरी है किस लिए आपके भले और सबकी भलाई के लिए ठीक है बंधन में जब व्यक्ति रहता है तो सबका भला करता है नहीं तो अकेले रहेगा तो खाली अपना ही हित सोचेगा ना तो बंधन बैंक आपका भला सबकी भलाई इसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक तो यहाँ पे देखिए विलास ठीक है विलास यानी है विलासिता संबंधित वस्तुएं विलासिता तो विलासिता संबंधित वस्तुएं ही समृद्धि का प्रतीक है ठीक है समृद्धि का एक रूप है क्या विलासिता से रिलेटेड या विलासिता की वस्तुएं तो लक्ष्मी विलास बैंक समृद्धि का परिवर्तित रूप है ठीक है इसके बाद इंडस इंड बैंक तो इंडस इंड बैंक में देखिए दो बार इंडिया प्रयुक्त हुआ है इंड और इंड ठीक है इंड और इंड दो बार इंडिया तो इंडिया के हम क्या करते हैं दिल से केयर करते हैं ऐसे आपको ये याद आ जाएगा Ind, ind, दो बार इंडिया है एक बार इंडिया है तो हम प्यार करते हैं तो दो दो बार इंडिया है तो हम दिल से प्यार करते हैं दिल से केयर करते हैं तो हम दिल से केयर करते हैं हम आपको धनी होने का का एहसास दिलाते हैं जैसे आप ये ऑप्शन में देखेंगे तो इंडस इंड बैंक का आपको याद आ जाएगा इसके बाद फेडरल बैंक तो फेडरल बैंक में पहले ही देखते हैं तब हमें डर शब्द इसमें दिखाई देता है तो डर अगर हमें डर लगेगा तो हम क्या करेंगे बैंक में अकेले नहीं जाएंगे बल्कि बैंकिंग करने के लिए किसी साथी को लेकर जाएंगे तो फेडरल बैंक यानी डर तो हम क्या करेंगे बैंकिंग के लिए साथी को लेकर जाएंगे तो आपका परफेक्ट बैंकिंग साथी फेडरल बैंक का टैग वाक्य इसके बाद बैंक धन लक्ष्मी बैंक तो ये तो बहुत ही आसान है यहाँ पे धन है आप इसे आसानी से याद रख लीजिए तन मन धन ठीक या फिर धन लक्ष्मी एकत्रित करनी है हमें धन एकत्रित करना है लक्ष्मी एकत्रित करना है तो हमें तन मन धन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी तो ऐसे करके आपको ये याद आ जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी यदि मैं सही हूँ तो एक लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी की वीडियोज देखते रहिए तब तक मैं आपके लिए एक नई ट्रिक बनाता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग